फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई विश आप सब स्वस्थ रहें एंड हैप्पी रहें। लेट्स बिगिन द टॉपिक। हम शुरू करेंगे नंबर 10 से। नंबर 10 पे आता है फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 229 मिलियन स्पीकर्स। आपको लग रहा होगा कि फ्रेंच सिर्फ फ्रांस में बोला जा रहा है, बट ये भाषा 28 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। फ्रेंच ज़्यादा बोलने वाले जो देश है वो है फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड। इसके साथ ये भाषा पश्चिम और मध्य अफ्रीका में भी ज़्यादातर बोला जाता है। नंबर 9 पे आता है वो है पोर्तुगीज लैंग्वेज। पोर्तुगीज भाषा बोलने वाले लगभग 200 मिलियन लोग हैं। ये भाषा लैटिन भाषा से डेवलप हुआ था और ये मॉडर्न स्पेनिश से ज़्यादातर रिलेटेड है। पोर्तुगीज भाषा पुर्तगाल देश से ही आया है और पुर्तगाल देश के लोगों को भी पुर्तगीज बोला जाता है ना ये मजेदार बात। नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 पे जो भाषा आता है आप देख के चौंक जाओगे। नंबर 8 पे है बंगाली लैंग्वेज। वाव, बस इंडिया के एक स्टेट का भाषा होने के बावजूद भी वर्ल्ड की टॉप 8 स्पोकन लैंग्वेज में शामिल है, कैसे? नहीं दोस्तों, बांग्लादेश भी है ना। बंगाली बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लगभग 261 मिलियन लोग बंगाली भाषा से बोलते हैं और ये इंडिया की सेकेंड मोस्ट बोले जाने वाला भाषा है। लोकली बंगाली को बांग्ला लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब आते हैं नंबर 7 पर। हमारे 7वें नंबर पर आता है रशियन लैंग्वेज। दुनिया में रशियन बोलने वाले लोग हैं 267 मिलियन। रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इस चारों देशों के ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और यूरोप में सबसे बड़ा लैंग्वेज है रशियन। नंबर 6 पे आता है मलय लैंग्वेज। लगभग 281 मिलियन लोग इस लैंग्वेज से बात करते हैं। सिंगापुर, बर्नई, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलय। आपको ये लैंग्वेज थाईलैंड एंड फिलीपींस की कुछ देशों में सुनने को भी मिल जाएगा। नंबर 5 पर आता है अरबी। अरबिक लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में 422 मिलियन लोग अरबिक लैंग्वेज से बात करते हैं। कहना के तो ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेज अरबिक में शामिल है और अरबिक 26 देशों के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। नंबर 4 पर आता है स्पेनिश लैंग्वेज। लगभग 527 मिलियन लोग स्पेनिश यूज करते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज स्पेन से ही ओरिजिनेट हुआ था। ये लैंग्वेज साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में भी बोला जाता है, इसीलिए स्पेनिश यूएस के सेकेंड मोस्ट कॉमन लैंग्वेज हो गया है। अब चलते हैं टॉप 3rd लैंग्वेज पर और टॉप 3rd में जो लैंग्वेज है वो है हिंदुस्तानी। 544 मिलियन लोग इस लैंग्वेज से बात करते हैं। ये जनरली हिंदी एंड उर्दू मिलके होता है। हिंदी इंडिया के उत्तर और मध्य भाग में ज़्यादा बोला जाता है। हिंदी इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और उर्दू स्क्रिप्ट अरबिक अल्फ़ाबेट के क्लोजली रिलेटेड है। नंबर 2 पे कौन सा लैंग्वेज आता होगा, थोड़ा सोचिए। दूसरे नंबर पर आता है इंग्लिश। इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से ये लैंग्वेज अब इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है। 983 मिलियन लोग इंग्लिश से बात करते हैं। मजेदार बात ये है कि इंग्लैंड में सिर्फ 371 मिलियन लोग इंग्लिश से बातचीत कर रहे हैं, बट अन्य देशों में 611 मिलियन लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। अब आते हैं हमारा टॉप नंबर 1, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाला लैंग्वेज है। आपको क्या लगता है कौन सा लैंग्वेज नंबर 1 पे होगा? वो है मैंड्रिन चाइनीज। 1.1 बिलियन लोग मैंड्रिन लैंग्वेज से बात करते हैं। चाइना, ताइवान एंड सिंगापुर जैसे देशों में यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिसाब के अनुसार आपको 2000 से 3000 तक करेक्टर सीखना होगा सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। वाओ, तो क्या आप रेडी हैं ये सारी
चीज सीखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स आपके वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो पहले हमारे चैनल टॉप 10 फैक्ट्स एंड लिस्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन सी टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि हम हमारे वीडियो को आपके लिए और भी बेहतर एंड नॉलेजेबल बनाएं। थैंक्स अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।